हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोहन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज शर्मा जी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शन कैसे लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज से पहले एक फर्स्ट चरण जो आया था उसमें लगभग 8 करोड़ भारतीय लोगों को उज्ज्वल योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शन दिया गया था। यानी कि उसमें से क्या गैस कनेक्शन में क्या आपको एक सिलेंडर दिया गया था और आपको एक चूल्हा दिया गया था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको कोई भी पैसे का पेमेंट नहीं करना पड़ता। जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट से अगर आप गैस कनेक्शन लेते हैं, चाहे एचपी का लेते हैं या भारत गैस का लेते हैं या आप इंडियन गैस का लेते हैं, तो इसके लिए आपको एक पार्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है, चाहे गैस का हो, सिलेंडर का हो, प्लस कनेक्शन चार्ज अलग लगा करके आपको टोटली 5 से 7 हज़ार रुपये तक कॉस्ट पड़ जाता है। लेकिन अगर आप पीएम उज्ज्वल योजना है इसके थ्रू से अगर आप इनका जो कनेक्शन होता है वो लेते हैं, सरकार के थ्रू से आपको ये योजना चलाई जाती है, अगर इनके थ्रू से अगर आप लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि 5 से 7 हज़ार रुपये जो खर्च होता है वो आपको एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। चलिए आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप किस प्रकार उज्ज्वल योजना के तहत से आप फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शन लेंगे, इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगे, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका एज लिमिटेड क्या होगी और कब से कब तक आप ऑनलाइन कर सकेंगे और किस वेबसाइट के थ्रू से ऑनलाइन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, तभी जाके आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा। अगर बीच में कभी आप स्किप कर देते हैं तो आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में नहीं आएगा और आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे और मिस्टेक करेंगे तो आपको गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्त, आज इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा। और दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सिंपल से दोस्तों, आपको इस साइट पे आ जाना है। इन साइट का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए, इनका जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट लगी ये सारे चीज़ बता देंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि इसमें कौन कौन लोग एलिजिबिलिटी है। चलिए एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी आ जाएगा। देखिए, एससी कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास योजना होता है अगर उनका लाभ लिए हुए तो वो भी कर सकते हैं। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो लोग हैं बिलोंग करते हैं वो भी कर सकते हैं, और जिसका अंत्योदय अनाज अन्न योजना वाला AAY वाला जो कार्ड है वो भी कर सकते हैं। एंड देखिए, इसमें टी एंड एक्स टी गार्डन थीवर यानी कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट लवर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पीपुल रेसिडेंट इन आइसलैंड एंड ड्राइवर आइसलैंड अगर इस जगह से बिलोंग करते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे SECC हाउस होल्डर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पुअर हाउस होल्डर एज पर 14 डिक्लेशन यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिसके पास ये सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ें नहीं है तो उसको 14 एक डिक्लेशन फॉर्म आता है, उसको फॉर्म भर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्राइटेरिया क्या है कि जिसका एज जो है कम से कम 18 ईयर का होना ही चाहिए, 18 ईयर से कम का होंगे तो उनका अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए, और लास्ट है क्या इसमें क्राइटेरिया में, देखिए शुड बी LPG कनेक्शन यानी कि अगर उसके घर में अगर उसके नाम से किसी के नाम पे अगर LPG कोई भी कनेक्शन है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो LPG जो कोई भी कनेक्शन होगा वो उनके नाम पे नहीं होना चाहिए, ये उनकी एलिजिबिलिटी थी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहे हैं आपको 5 टाइप का डॉक्यूमेंट लग सकता है। देखिए KYC के लिए, KYC में क्या क्या लग सकता है, जैसे आपका राशन कार्ड होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से इशू होना चाहिए, ठीक है वो चल जाएगा, और उनके बाद उसके राशन कार्ड तो होना ही चाहिए। अगर राशन कार्ड नहीं है ठीक है तो देखिए अदर में स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफाइंग फैमिली कंप्रेशन इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट होता है, अगर वो है तो वो भी चलेगा, अगर ये भी नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, वो चीज़ें यहाँ से डाउनलोड करके भर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड देनी होगी, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों एक ही आधार कार्ड में काम हो जाएगा, 3 नंबर 4 नंबर और 5वां नंबर में आपको बैंक अकाउंट डिटेल देना है विथ FSC कोड के साथ,
ठीक है, ये दो चीजें हो गया। अब इसमें जो आप पीएमजी उज्ज्वल योजना का जो बेनिफिट क्या होता है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया स्टार्टिंग में कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। तो उनका जो अगर आप नॉर्मली कनेक्शन लेने के लिए जाते हैं यहाँ पे जो चार्ज है ये चार्ज आप देख सकते हैं, ये चार्ज आपको पे करना पड़ता है नॉर्मली कनेक्शन में। लेकिन आपको पीएमयूवाई बेनिफिट्स में आपको ये सारा कनेक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ता है। चलिए ऊपर आते हैं। अब चलिए आप उसका ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक बटन है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वल 2.0 कनेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक बटन अपने सामने आ जाएगा, क्लिक हियर टू अप्लाई न्यू उज्ज्वल योजना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएगा, इंडियन गैस का आ जाएगा, भारत गैस का आ जाएगा और एचपी गैस का आ जाएगा। इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीनों के सामने सेम बटन है। तो मैं एक एक करके शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन में बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक हियर में इंडियन गैस में क्लिक हियर में क्लिक है तो इंडियन गैस का जो है ऑफिशियल साइट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जैसे ये आ गया है, यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए यह क्वेश्चन है, आर यू एन एक्साइटिंग इंडियंस कस्टमर, तो आपको नो कर देना है। नो करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा, इसमें जिसके नाम से कनेक्शन आप अप्लाई लेना चाहते हैं तो मोस्टली इसमें आप लेडीज के नाम पे ही कर सकते हैं, जेंट्स के नाम पे अप्लाई नहीं होता। तो लेडीज के नाम पे वहाँ पे उनका नाम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और एलपीजी में यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर पे उनका एक मोबाइल नंबर डालना है, एड्रेस फुलफिल करना है, पिन कोड डालना है, सिटी जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो डालेंगे। और यहाँ पे देखिए जनरल सचिव और उज्ज्वल सचिव, तो आपको यहाँ पे उज्ज्वल सचिव देना है। रिमार्क में अगर आप कुछ रिमार्क देना चाहते हो तो डालेंगे, नहीं तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट करेंगे, फॉर्म क्लियर होगा। फॉर्म क्लियर होने के मतलब फॉर्म सामने होगा, उसको भर करके आप प्रिंट आउट ले लेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। चलिए अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ इनका। अगर आप भारत गैस का अप्लाई करना चाहते हैं तो भारत गैस के क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे। इनका भी सेम प्रोसेस, सबका लगभग सेम ही प्रोसेस, बस थोड़ा सा अंतर है। चलिए यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको स्टेट चूज़ करना पड़ेगा, इसमें स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना पड़ेगा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। आपके जो पिन कोड होता है वो पिन कोड आपको चूज करना पड़ेगा। पिन कोड चूज करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर आपको सेलेक्ट करना है। आपके एरिया में जैसे पिन कोड डालेंगे आपके एरिया में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उसका नाम आ जाएगा, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे जो नियरेस्ट होगा। यहाँ पे उनका कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस डालेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे कैप्चर डोर कैप्चर डाल करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे आपके ओटीपी नंबर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे, करने के बाद वेरीफाई एंड रजिस्टर पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो यूज़र आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी आता है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा और आईडी आने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। रजिस्टर नंबर को आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में। वो नेक्स्ट बताते हैं आपको, अगर एचपी गैस कनेक्शन में अप्लाई करना है तो सिंपल सा यहाँ भी वही ऑप्शन है, क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आपके सामने एक नया आ जाएगा, पेज खोल करके आ जाएगा और यहाँ पे उज्ज्वल बेनिफिट कनेक्शन में क्लिक करेंगे। पेज रिफ्रेश होगा, एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म आएगा, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर नेम सर्च करना पड़ेगा, नेम वाइज सर्च करने तो लोकेशन वाइज, तो लोकेशन वाइज क्लिक कर लेंगे। लोकेशन वाइज करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का सारा आ जाएगा कि आपके एरिया में उस पिन कोड में या उस एरिया में कितने जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सर जो भी आपका होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, जो नियरेस्ट होंगे। सेलेक्ट करने के बाद उनका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपके सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे ई केवाईसी पे ओके करना है अगर आपका एड्रेस जो है सेम होगा। ठीक है, वो आप सारे चीज सबमिट कर देंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ पे देखिए माय करंट एड्रेस इज सेम इन आधार कार्ड, यानी कि आपका जो करंट एड्रेस है अभी जहाँ पे रह रहे हैं वो आधार कार्ड में मेंशन है, तो यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। ठीक है, जनरेट ओटीपी करेंगे। जनरेट ओटीपी करने के बाद आपके आधार नंबर पे ओटीपी आएगा। आधार नंबर पे ओटीपी आने के बाद वेरीफाई करना है और यहाँ पे उनका पूरा डिटेल डाल देना है। यहाँ पे जो भी है इसका नाम डाल देंगे, मिडिल नेम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ पे कौन से कास्ट से बिलोंग
बिलोंग करते हैं, जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आप जनरल से हैं तो अदर सेलेक्ट करके कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे इशू आपका राशन कार्ड का जो है, बिहार से है तो वो राशन कार्ड का इशू डेट क्या होगा, राशन कार्ड नंबर क्या होगा यहाँ पे डाल देंगे। अब अपना जो एड्रेस होता है कम्प्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे फिर से यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए, और आपको यहाँ पे माइक्रो आईएफएससी कोड डालना है, यहाँ पे भी आईएफएससी कोड डालना है, और यहाँ पे उनका ब्रांच ऑटोमेटिक लोकेट हो जाएगा। और उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, फिर से अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे जो जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन के लिए आपको कौन सा सिलेंडर चाहिए, 5 केजी का चाहिए या रहने दीजिएगा 14.2 केजी का, ठीक है। देने के बाद यहाँ पे आपको एक एड्रेस प्रूफ के लिए आपको कोई भी एक देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है इसमें वाटर बिल वगैरह, LIC पॉलिसी वगैरह, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपको आधार का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा, पासपोर्ट साइज एक फोटो अपलोड करना पड़ेगा, लेस देन 50 केवी का होना चाहिए, और राशन कार्ड और यानी तो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक फैमिली मेंबर का नाम ऐड करना है, तो वो पहले जिसका भी ऐड करना है, अगर वो जिस भी रिलेशन में आता है जिसका कार्ड इसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका ये जो भी है तो उसका एक रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नाम देंगे, आधार नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एज डालेंगे, और जेंडर जो होगा जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एट मेंबर कर देंगे। अगर वो अकेला है तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है डिलीट फैमिली मेंबर, अगर फैमिली में कोई भी नहीं है तो यहाँ पे चेक बॉक्स करके यहाँ पे डिलीट मेंबर कर देंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जैसे देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन खत्म हो गया। अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, और जो जितने भी मेंबर है सेलेक्ट करके फिर से ओके करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से उसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज कंप्लीट हो जाएगा। जब अप्लाई करने के बाद आपको जो एक रिसीविंग मिलेगा, उस रिसीविंग को आपको प्रिंट आउट कर लेना है, और डिक्लेरेशन फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया वो डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको ले लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो सारा फॉर्म को आप प्रिंट आउट करके उसको फॉर्म को फिल करके, जो प्रिंट आउट लेंगे उसको फॉर्म फिल करके डिक्लेरेशन फॉर्म करके आपको जो सबमिट करेंगे तो सबमिट करना ही है, लेकिन इनको लेकर के आपको जो नियरेस्ट जिस ब्रांच के लिए आपने अप्लाई किया था वहां पे आपको ले जाकर के जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद वहां सारा चीज आपका चेक किया जाएगा, और चेक करने के बाद सारा चीज अगर सही रहेगा तो आपका जो गैस कनेक्शन है वो अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, और आपको वहां पे आपको एक गैस चूल्हा दे दिया जाएगा, और एक आपको सिलेंडर दे दिया जाएगा, और आपको एक पासबुक दे दिया जाएगा। और पासबुक देने के बाद आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा, खाली सिलेंडर नहीं मिलेगा, जिसका आपको एक रुपया कहीं पे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल चुकी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी इस वीडियो के बारे में, ये योजना के बारे में जानकारी मिल सके, और वो भी इस योजना का लाभ उठा सके। चलिए दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, और फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।